सरना धर्मगुरु बंधन तिग्गा का कल मंगलवार को सीएमसी वेल्लोर में मेजर ऑपरेशन होने जा रहा है। धर्मगुरु बंधन तिग्गा खुद एक संदेश अपने शुभचिंतकों के लिए भेज रहे हैं, वो भी हम आपको सुनवाएंगे। मालूम हो कि बंगाल दौरे के दौरान अचानक धर्मगुरु की तबीयत बिगड़ गई थी। उन्हें तत्काल सिलीगुड़ी के अस्पताल में भर्ती कराया गया था। वहां से बेहतर इलाज के लिए धर्मगुरु को वेल्लोर स्थित सीएमसी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। इस दौरान मांडर के विधायक बंधु तिर्के खुद वेल्लोर में मौजूद रहे और साथ ही धर्मगुरु को लेकर सीएमसी भी गए। जब से सरना धर्मगुरु बंधन तिग्गा की तबीयत बिगड़ी है, तब से आदिवासी सामाजिक संगठनों के अलावे अन्य सामाजिक संगठनों में भी चिंता देखी जा रही है। सभी लोग ईश्वर से यही प्रार्थना और विनती कर रहे हैं कि धर्मगुरु अतिशीघ्र स्वस्थ होकर लौटे। अब चूंकि धर्मगुरु का मंगलवार को सीएमसी वेल्लोर में फर्स्ट स्टेज का ट्यूमर कैंसर का ऑपरेशन होने जा रहा है, आप सभी से विनती है, आप तमाम दर्शकों से गुजारिश है कि सरना धर्मगुरु के ऑपरेशन को देखते हुए विनती और प्रार्थना करें ताकि उनका ऑपरेशन सफल हो और वो जल्द से जल्द स्वास्थ्य लाभ लेकर हम सबके बीच पहुंचे। सरना धर्मगुरु बंधन तिग्गा ने जो संदेश अपने शुभचिंतकों के लिए भेजा है, उसे आप सुने। पूरे देशवासियों को मेरा जोहार, जय सरना, जय धर्मेश। मैं सरना धर्मगुरु बंधन तिग्गा वेल्लोर में कैंसर का कल मंगलवार सुबह 6 बजे मेरा ऑपरेशन होने वाला है और इसको लेके मैं आप सबों को अपील करता हूँ कि मेरे लिए आप लोग धर्मेश चालायन सिंह बोंगा हिरला मारंगुरु से हमारे लिए प्रार्थना करें, विनती करें ताकि हमारा कल जो ऑपरेशन होने वाला है दिन मंगलवार को सुबह 6 बजे वो सफल हो सके और मैं जल्दी से अच्छा होकर सरना धर्म समाज की सेवा करने के लिए पुनः मैं आप लोगों के बीच में आ सकूं, यही उम्मीद और आशा करता हूं कि आप सभी लोग मेरे लिए धर्मेश सिंह बोंगा सरनामा से दुआ मांगेंगे। सबों को जय धर्मेश, जोहार, जय सरना। गोटे राजकर मोर भाई बहन आयो आबा छुआपुता मन के जय धर्मे। मोय अखन वेल्लोर में कैंसर रोग से मोय लड़त हूँ। कल 6 बजे मोर ऑपरेशन है। सबकर से मोर अर्जी विनतिया है कि कल सब कोई मोर ले धर्मेश चालायो से सिंबोंगा से हिरला मारंगुरु से मोर ले विनती प्रार्थना करबा ताकि जल्दी से जल्दी मोय ठीक होए के फिर से सरना धर्म कर सरना समाज कर सेवा करे पारूँ। एक लगिन मोय सबसे ओहरा विनती करत हूँ कि मोर ऑपरेशन सक्सेस हो, सफल हो। एक लगिन सब कोई मोर ले धर्मेश चालायो से दुआ मांगबा। सबके पुनः जय धर्मेश, जोहार, जय सरना। गोटे राज कर मोर भाई बहन आयो आबा छुआ पुता मन के जय धर्मे। मोय अखन वेल्लोर में कैंसर रोग से मोय लड़त हूँ। कल 6 बजे मोर ऑपरेशन है। सबकर से मोर अर्जी विनतिया है कि कल सब कोई मोर ले धर्मेश चालायो से सिंबोंगा से हिरला मारंगुरु से मोर ले विनती प्रार्थना करबा ताकि जल्दी से जल्दी मोय ठीक होए के फिर से सरना धर्म कर सरना समाज कर सेवा करे पारूँ। एक लगिन मोय सबसे ओहरा विनती करत हूँ कि मोर ऑपरेशन सक्सेस हो, सफल हो। एक लगिन सब कोई मोर ले धर्मेश चालायो से दुआ मांगबा। सबके पुनः जय धर्मे, जोहार, जय सरना। जोहार, जय धर्मे। जैसा कि आप सबों को ज्ञात है कि हमारे परम पूजनीय धर्मगुरु बंधन तिग्गा एक गंभीर बीमारी से जूझ रहे हैं, जिनका समुचित इलाज वेल्लोर सीएमसी वेल्लोर में चल रहा है और उनके लिए पूरे देश दुनिया से लाखों लोग विनती प्रार्थना कर रहे हैं। सिर्फ आदिवासी ही नहीं, अन्य सभी समाज के लोग
उनके लिए उनके अच्छे स्वास्थ्य की कामना कर रहे हैं और अपने ईश्वर से सभी प्रार्थना कर रहे हैं। मैं राजीपाड़ा सरना प्रार्थना सभा और राष्ट्रीय आदिवासी समाज सरना धर्म रक्षा अभियान की ओर से आप सबों से आग्रह करता हूं कि कल हमारे धर्मगुरु बंधन तिग्गा का एक मेजर ऑपरेशन है। आप सभी सुबह 6 बजे ही उन्हें ऑपरेशन थिएटर में ले जाया जाएगा। आप सबों से आग्रह है कि सभी आप लोग सामूहिक रूप से जहां आप लोगों को जगह मिले और यथासंभव सरना स्थल में सुबह 7 बजे सभी अपने अपने सरना में इकट्ठा होकर उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए, सफल ऑपरेशन के लिए और आने वाले दिनों में वो समाज में अपना बढ़िया योगदान दे पाए, इसके लिए आप लोग चाला माँ धर्मेश बाबा और अपने ईश्वर से आप विनती प्रार्थना करें कि वो जल्द से जल्द ठीक होकर पुनः हमारे बीच में आए। हम उनके स्वास्थ्य की सभी कामना करते हैं। सबों से आग्रह है आप सभी उनके लिए दुआ विनती जरूर करें। धन्यवाद। श्री सरना धर्मगुरु बंधन तिग्गा अभी भेलोर में स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं और कल उनका दिनांक 23 तारीख को प्रातः सुबह पेट के कैंसर का वृहद ऑपरेशन होगा और हम आप सब से विनती है कि उनके साथ स्वास्थ्य लाभ हेतु आप लोग विनती प्रार्थना करें और आप लोग निश्चित रहे उनका इलाज सिलीगुड़ी से यहाँ भिलोर तक अच्छे डॉक्टरों की देखरेख में हो रही है और उनके साथ मैं संजय पहान और नीतीश कुमार और भी रांची से आए हुए हमारे संगठन के कार्यकर्ता लोग हैं, सेवा देख कर रहे हैं और जल्द ही धर्मगुरु हम सबके बीच स्वास्थ्य लाभ करके आ जाएंगे और कल के ऑपरेशन के लिए आप लोग दुआ करें, विनती करें। यही आपसे विनती प्रार्थना है। जय धर्मेश, जोहार। सारे खबरों से अपडेट रहने के लिए आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करना ना भूलें। साथ ही साथ आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर सकते हैं। और भी खबरों से अपडेट रहने के लिए आप विजिट करें www.travelindiatv.com।